आपकी होस्ट आसिफा और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। आज मैं आपको तारीखी, तालीमी, सकाफती बागों के शहर लाहौर की सैर करवाऊंगी। जी हाँ नाजरीन, मैं मौजूद हूँ वॉल सिटी ऑफ लाहौर में, जिसे पुराना लाहौर और अंदरून लाहौर भी कहा जाता है। सदियों पुराना ये शहर आज भी सियाहत और सकाफत का मरकज है। 13 दरवाजे, खूबसूरत हवेलियाँ, मसाजिद, हमारा आलमी विरसा शाही किला और जिंदा दिलाने लाहौर की ये वॉल सिटी शहर का दिल है। यहाँ की गलियाँ, बाजार, लोग, सकाफत, सदियों पुराना मुगल और सिख आर्किटेक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं मौजूद हूँ दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के साथ शाही गुजरगाह पर वाक़े ये इमारत शाही हमाम है, जो मुगला तर्ज तामीर का एक नमूना है। ১৬৩৫ में मुगल बादशाह शाहजहां के गवर्नर वजीर खान ने इस खूबसूरत इमारत को तामीर करवाया। पूरी दुनिया से सियाह इस मुगल फन तमीर को देखने के लिए अंदरून लाहौर आते हैं। हमारे साथ वॉल सिटी ऑफ लाहौर के टूरिज्म इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे इस बिल्डिंग के बारे में मजीद हम जानेंगे। जी जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस आर्किटेक्चर को कितना पसंद करते हैं टूरिस्ट? ये 3-4 साल हुए हैं तकरीबन, इसे अभी रिसेंटली रिस्टोर किया गया है। उससे पहले हमाम तो मौजूद थे, लोगों को पता था, टूरिस्ट आया जाया करते थे यहाँ, लेकिन एक तो उनकी तादाद कम थी और ये जो एक्सकवेशन, इसकी रेस्टोरेशन जो हुई है, अब यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं। हमारा टूरिज़म ऑफिस भी दिल्ली गेट में मौजूद है, तो उसके वहाँ पर हमारे गाइड उनको यहाँ लेकर आते हैं। 21 कमरे हैं यहाँ पर, 8 गर्म पानी के, 8 ठंडे पानी के और 5 सोना बाथ भी हैं। ये 400 साल पुरानी बातें हैं, टूरिस्ट इसे ऑफ कोर्स बहुत पसंद करते हैं। मुझे ये बताइए कि इसको बनाया क्यों गया था, मकसद क्या था इसको बनाने का? जब शाही काफ़िले, आपको पता है, ये सारा उस वक़्त ये दिल्ली, आगरा, जयपुर, लाहौर, ये डेट वॉज ऑल कॉल्ड मुगल एम्पायर, तो वो जब दिल्ली दरवाजे से, दिल्ली वाली साइड से मुगल काफ़िले, शाही काफ़िले जब एंटर होते थे, तो ज़ाहिर काफ़ी दिनों का सफ़र करके आते थे, तो उन्हें रिफ़्रेश होने की ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये मेन एंट्री गेट, जैसे आपने पहले फरमाया कि दिल्ली गेट के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो वो चूँकि दूर से सफ़र करके आ रहे होते थे, तो नहाने की ज़रूरत हुआ करती थी। यहाँ वो नहाते थे, यहाँ फ़्रेश होकर फिर वो फर्दर शहर में जाते थे। मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो शाही इमाम की हिस्ट्री ये है कि इसके अंदर जो 21 कमरे हैं, ये सारे के सारे टर्किश आर्किटेक्चर है। ये सर ऊपर अगर ये हमारा कैमरा देखते हैं ना ऊपर हम गौर से, तो ये स्काई लाइट है, ये सारा ब्यूटीफुल फ्रेस्को वर्क हुआ हुआ है। यहाँ तो हमें वो दूर से, वहाँ पे एक फाउंटेन हुआ करता था, दे वुड सिट अराउंड, ये जो एक दायरा सा बना हुआ है, यहाँ वो जो लोग होते थे वो यहाँ बैठते थे, इसमें से ठंडा पानी उस वक्त हुआ करता था, नॉट सिंपल वाटर, सेंटेड वाटर। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती हमें जावेद साहब से ज्यादा और कोई नहीं दिखा सकता। आइए आपको भी दिखाते हैं। Let me tell you, मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ स्पाइस एंड ग्रेन इन एशिया। 400 साल पहले अक्बर बादशाह के नाम से बनाई जाने वाली ये मार्केट अकबरी मंडी कहलाती है और इस मार्केट को आज भी बड़ी ही अहमियत हासिल है। इतनी छोटी छोटी गलियों में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, इट इज अमेजिंग। जैसा कि आप जानते हैं, अंदरून शहर अपनी इन छोटी छोटी गलियों की वजह से भी मशहूर है। जी नाजरीन, मैं इस वक्त एक बहुत छोटी सी गली में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक वक्त में दो लोगों का गुजरना भी मुश्किल है। ये सबसे छोटी गली है और इसका नाम है कुचा उबालचिया। हमारे पास
अंदरून शहर में 2500 से जायद तंग गलियां हैं और हर गली का अपना एक नाम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली सूजन सिंह में और यहाँ पे जहांगीर साहब अपनी एक खिड़की पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अंदरून शहर की रौनक कैसी है? अंदरून शहर की रौनक काबिले दीद है, वो आप इसको किसी की मतलब बता नहीं सकते। जहांगीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ रहते हुए कितनी देर हो गई? मैं इस मकान में पैदा हुआ हूँ, मेरी वालदा इस मकान में पैदा हुई है और ये 200 साल पुराना मकान है। 200 साल पुराना मकान है। मेरी उम्र इस वक्त 90 साल है। ओके। और मैं, मेरी वालदा भी इस मकान में पैदा हुई थी, तो इसलिए ये हमारा जद्दी मकान है, बहुत पुराना मकान है। जहांगीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका ये मकान छोड़ने का दिल क्यों नहीं करता? आप यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते? हमें अच्छे हमसाए मिले हुए हैं, ये हमें अपने अजीजों से भी ज़्यादा अजीज है। ये जो हमसाए हैं, ये अगर हमारा कोई यहाँ पर गड़बड़ हो जाए तो हम बाहर हों, तो ये सबसे पहले ये यहाँ आएंगे, ये आगे मेरे घर का पता करेंगे क्या हुआ है। नाजरीन, इनका कहना है कि अंदरून शहर में इन तंग गलियों का फ़ायदा ये है कि जैसे ही कोई मुश्किल आन पड़ती है तो फौरन मोहल्लेदार मदद के लिए आ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मस्जिद वजीर खान 1641 में 7 साल की मुद्दत में तामीर होने वाली ये मस्जिद अपने खूबसूरत नक्शोनिगार और हताती के सबब मुगलिया फन तामीर का एक शाहकार नमूना समझी जाती है। मस्जिद वजीर खान लाहौर की एक कदीम आलिशान इमारत है। इसे भी शाहजहां के दौर में तमीर किया गया था। आपको बताती चलूं, दिस बिल्डिंग इज द मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जावेद साहब से मजीद इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो बिल्डिंग है ये अंदरून शहर की खूबसूरती में कैसे इजाफा करती है? ये बहुत खूबसूरत इमारत है, इसे मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर जैसे आपने भी फरमाया था, तो ये माथे का झूमर है अंदरून शहर के। तो इसका काम जो है, ये काशीकारी का इतना बारीक और इतना खूबसूरत काम हुआ है, छोटी छोटी टाइलों के टुकड़े काट कर उनको दीवारों पे जड़ा गया है, जिसके अंदर बड़े कीमती पत्थर और डिफरेंट कलर्स के ये स्टोन है। ये कशान एक शहर है, वहीं से सारा इन्फ्लुएंस आया और इसको हम इरानियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, जैसे हम देख सक रहे हैं। एक मीनार ऐसा है जो बाद में तामीर हुआ है, ये वाला, सॉरी तामीर तो नहीं, मतलब यूँ कह लें आपके रीस्टोर्ड हुआ है ये। और फारसी उस वक्त आपको पता है ऑफिशियल सरकारी ज़ुबान हुआ करती थी मुग़लों की, तो ये फारसी का एक शेर आज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये सारे हुजरे हैं, ये उस वक्त का NCA था एक तरह से। उसके अलावा आजकल टूरिज़म चूँकि बहुत ज़्यादा वॉल्ट सिटी में प्रमोट हो रहा है, वॉल्ट सिटी फ्लोर अथॉरिटी, हम फ्री गाइडेड टूर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो पहले भी नो डाउट मस्जिद वजीर खान बहुत मशहूर थी, बहुत टूरिस्ट यहाँ आते थे, लेकिन ज़्यादातर सयाह जो थे वो फॉरनर्स होते थे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इस खूबसूरत मस्जिद के अलावा अभी भी और बहुत कुछ है वॉल्ट सिटी में आपको दिखाने के लिए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अंदरून शहर की एक खूबसूरत हवेली में जिसका नाम राम गोपाल है। ये हवेली 200 से 300 साल पुरानी है और बहुत ही खूबसूरत है। अंदरून लाहौर की तारीख जमाना कदीम से जा मिलती है और ये शहर लाहौर का सबसे पुराना और कदीमी हिस्सा है। यहाँ के बाजार नहायत ही पुर रौनक हैं। चटपटे और रवायती खाने पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हैं। लाहौर
लाहौर हो और खाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। लाहौर ये तो वैसे ही स्पाइसी फूड के शौकीन होते हैं। मुझे तो ये स्पाइसी लेग पीस देखकर बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। आपको भी खाना है, आइए। माई फूड इज हियर, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है एंड इसकी खुशबू तो बहुत मज़े की है। खा के देखते हैं। This is so yummy. अब हम मौजूद हैं वॉल सिटी की रौनक फूड स्ट्रीट में। मुझे तो ये खूबसूरत बिल्डिंग किसी तस्वीर की तरह लगती है। जी हाँ, इनकी छतों पर जब हम चढ़ते हैं तो नीचे का जो वॉल सिटी का नज़ारा है वो बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत है। दिस इज माई फेवरेट प्लेस, आइए आपको भी दिखाती हूँ। और ये है वो नज़ारा जिसे बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। पूरी दुनिया से लोग बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और शाही किला का ये खूबसूरत मंजर देखने के लिए फूड स्ट्रीट आते हैं। शाहजहां के दौर में सियाहों की दिलचस्पी के लिए वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी रोशनाई गेट से शीश महल तक हिस्ट्री बाय नाइट का एक इवेंट रखते हैं जो एक ड्रामा है। आइए देखते हैं। आलमी वर्षा और अब मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी जो आपको मुगलिया दौर में ले जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस देखी है, बहुत अच्छी है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मुझे ये बताइएगा आपको कैसा लगता है ओपन एयर में शाही किला के बिल्कुल सामने बैठ के परफॉर्म करना? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं 1000 साल पीछे चला गया हूँ। अच्छा। और इसी तरह जो सुनने वाले हैं वो भी इसी तरह ही महसूस होते हैं, इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि पहले 500 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसे ही टेम किया जाता है। मुझे ये बताइए जो टूरिस्ट आते हैं वो कितना एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को, क्योंकि हम अपना कल्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने ये जैसे मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऐसे ही होता था 1000 साल। This is something I have never tried. रंगीले रिक्शे पे शाही किला की सवारी। This is fun for tourists. मौजूद हूँ शीश महल में और मेरे साथ मौजूद हैं फ्लोरियन। आइए इनसे जानते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस इवेंट? आर यू हैविंग फन हियर? या, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। आई एंजॉयड द टूर। आवर टूर गाइड स्पेशली शोड मी एवरीथिंग एंड टॉक्ड टू मी इन इंग्लिश, सो इट्स रियली नाइस टू एंजॉय एवरीथिंग हियर एंड लर्न अ लॉट अबाउट द कल्चर हियर। व्हाट डू say about the people here? What do you want to say about the hospitality in Lahore, in Pakistan? Especially in Lahore, the hospitality is really nice. We're staying with a friend it's nice. The people are really nice and they show you a lot around. Even if
come to this tour and I'm really happy to be here. मैं मौजूद हूँ एक और टूरिस्ट के साथ, आइए इनसे बात करते हैं. हेलो सफीना, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, थैंक यू मैम. बिल्कुल ठीक हूँ. ग्रेट, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं यूके से आई हूँ. अच्छा ग्रेट, मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है अपने कल्चर में वापस आके, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का कल्चर, माहौल, म्यूजिक, एवरीथिंग? देखिए मैं जो है ना कुछ 5 साल पहले आई थी और उसके बाद जो है ना मैं साल में 2-3 चक्कर लगाती हूँ और इस बार जो है मैं अपने फ्रेंड्स, ब्रिटिश फ्रेंड्स को, 3 फ्रेंड्स हैं उनको भी साथ लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अपना, मैं हूँ पाकिस्तानी ओरिजिनली लेकिन मैं यूके में पैदाइशी हूँ तो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है. Okay. लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो नॉन पाकिस्तानी हैं वो भी देखें कि हमारा कल्चर कितना रिच है. व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन वॉल सिटी? आई हैव टू से आई डू लाइक द तंग गलियाँ एंड द हाई राइज बिल्डिंग्स एंड वो जो बैल्कनीज नहीं होते. मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई ना कोई जो है ना इनकी रेस्टोरेशन शुरू करें, इनको संभालें. हमारा वॉल सिटी का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है. मैं इस वक्त शीश महल में मौजूद हूँ. मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा. उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. मुझे अपनी होस्ट आसिफा और मेरी पूरी डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.